चार बोतल वोदका जैसे गानों से दुनिया भर में फेमस हुए योयो हनी सिंह के गानों में अक्सर नशे और लत की बातें होती रहती है, लेकिन ये कम ही लोग जानते होंगे कि खुद हनी सिंह इस लत का शिकार रहे हैं और हाल ही में रिहैब सेंटर में 3 महीने बिताकर लौटे हैं। दरअसल विदेश में गुस्से में आकर हनी ने अपने ही सिर पर बोतल मार ली थी और काफी ब्लीडिंग होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। कहा जा रहा है कि हनी सिंह शराब की लत से बेहद परेशान थे और इसे छोड़ना चाह रहे थे, जिसके बाद उन्होंने रिहैब सेंटर जाने का फैसला किया था और अब योयो एक बार फिर धूम मचाने को तैयार है। सुनने में आया कि पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोपिक फिल्म में करीना कपूर संगीता बिजलानी का रोल करने वाली है, पर अब खबर है कि करीना ये फिल्म नहीं करेगी। लेकिन अब चर्चा इस बात को लेकर है, करीना ने ये फिल्म छोड़ी क्यों? सूत्रों का माने तो उन्होंने अपनी डेट्स अपने पूर्व प्रेमी शाहिद कपूर की फिल्म उड़ता पंजाब को दे दी है। हालांकि फिल्म में करीना का रोल क्या होगा इसका खुलासा नहीं किया गया है। इस फिल्म में शाहिद और करीना के अलावा आलिया भट्ट भी मुख्य किरदार में नजर आएंगी। अपने ग्लैमरस छवि से दर्शकों को लुभाने वाली जैकलिन फर्नांडिस आने वाले फिल्म ब्रदर्स में बिना मेकअप के अलग ही अवतार में नजर आएंगी। इस फिल्म में जैकलिन के अपोजिट खिलाड़ी अक्षय कुमार नजर आएंगे। साथ ही फिल्म में जैकी श्रॉफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी मुख्य भूमिका में होंगे। करण जौहर की इस फिल्म के बारे में जैकलिन का कहना है कि इसमें मेरा किरदार एकदम रियलिस्टिक होगा और ये फिल्म मेरी सभी फिल्मों से अलग होगी। फिलहाल दर्शक जैकलिन की ग्लैमरस और हॉट लुक वाली फिल्म रॉय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।